नमस्कार दोस्तों, शनिवार की सुबह जब आप उठे होंगे तो आपने अखबारों की हेडलाइंस पढ़ी होंगी कि महाराष्ट्र की सरकार शनिवार को असली रूप ले लेगी। हेडलाइंस थी कि उद्धव ही उद्धारक होंगे महाराष्ट्र के। उद्धव ठाकरे शिवसेना के प्रमुख, जो कि विधायक भी नहीं हैं, चुनाव भी नहीं लड़े हैं, उनके परिवार से जो पहला सदस्य चुनाव लड़ा आदित्य ठाकरे उनका बेटा, वो चीफ मिनिस्टर नहीं बन रहा है, उद्धव ठाकरे बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि इसके अलावा किसी और नाम पर सहमति नहीं थी, ना कांग्रेस में ना एनसीपी में, शरद पवार की पार्टी में। तो ये सब कुछ आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे आखिर सेटलमेंट हुआ, इस बारे में अब क्या होगा, क्या इसका रूप समझ में आएगा। आप अखबार पढ़ भी नहीं पाए होंगे कि टीवी पर चलने लगा कि देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ले ली सीएम की, डिप्टी सीएम बन गए अजीत पवार, शरद पवार के भतीजे। ये सब क्या हो गया, ये सब कैसे हुआ, अचानक सब कुछ कैसे हुआ? आप टीवी चैनल 3-4 घंटे देख चुके होंगे, 5 घंटे देख चुके होंगे, लेकिन आपकी समझ में नहीं आया होगा दोस्तों कि ये आखिर हुआ क्या, ये किस तरीके से हुआ। दोस्तों मैं बताता हूँ आपको ये कैसे हुआ, पॉइंट बाई पॉइंट। सुप्रीम कोर्ट में आप इसे चैलेंज कर लें, किसी भी तरीके से आप संविधान के मापदंड पे से तोल लें। इसके लिए बहुत बढ़िया फ्रेमवर्क अमित शाह की टीम ने, होम मिनिस्ट्री की टीम ने तैयार किया है, इसमें कोई लूप होल नहीं है, बिल्कुल फुल प्रूफ प्लान बनाया गया। देखिए, अगर शिवसेना और एनसीपी और कांग्रेस की सरकार बन जाती तो उसके बाद इस सरकार को हटाना बहुत मुश्किल होता, अलोकतांत्रिक होता और ये सब एक विवाद का विषय होता और भाजपा पर, मोदी पर और अमित शाह पर सवाल उठते। लेकिन इनके दावा पेश करने से पहले ही अपनी सरकार बना देना उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, उतना ज़्यादा टेक्निकली रॉन्ग नहीं हो सकता। देखिए, रणदीप सुरजेवाला जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि भारत में लोकतंत्र की सुपारी बीजेपी ने ले ली है। और उन्होंने कुछ सवाल इस ट्वीट में किए हैं कि राष्ट्रपति शासन कब हटा महाराष्ट्र से, रातों रात दावा कैसे पेश हो गया, विधायकों की सूची कब दी गई, कब विधायक राज्यपाल से मिल भी लिए और ये चोरों की तरह शपथ ग्रहण क्यों हुआ। इन सवालों के मैं आपको वन बाई वन जवाब देता हूँ। दरअसल क्या हुआ कि कल शाम यानी कि शुक्रवार की शाम जब सब कुछ फाइनल हो गया, एनसीपी शिवसेना और कांग्रेस के बीच ये बंटवारा तय हो गया कि कौन सीएम बनेगा, कौन डिप्टी सीएम बनेगा, किसके कितने मंत्री बनेंगे, तो उसके बाद एक शरद पवार ने चिट्ठी तैयार कराई समर्थन पत्र की, जिसमें एनसीपी के सभी विधायकों के साइन कराए गए और ये समर्थन पत्र तैयार किया गया और ये समर्थन पत्र था अजीत पवार के पास। अजीत पवार ही उनका मेन कामकाज देखते हैं और शरद पवार उन पर भरोसा भी करते हैं, उनके भतीजे पर। और बताया जाता है कि यही चिट्ठी जाकर 8 बजे शुक्रवार की शाम अजीत पवार ने गवर्नर को सौंप दी, भगत सिंह कोश्यारी को, और कहा कि साहब हम बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं और ये रही हमारे विधायकों की चिट्ठी। भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि भाई आपके विधायक हैं कहाँ, उनसे मुझे मिलवाओ। उन्होंने ठीक है, मैं आपको साहब मिलवा देता हूँ। इसके बाद 10 बजे बताया जाता है कि गवर्नर ने राष्ट्रपति को इस सर डेवलपमेंट से अवगत करा दिया कि साहब यहाँ चिट्ठी आ गई है, समर्थन पत्र आ गया है और अब हम राष्ट्रपति शासन यहाँ से हटा सकते हैं। रात के 12 बजे अजीत पवार कुछ विधायकों को लेकर अपने साथ गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मिले, उन्हें बताया कि ये सब विधायक हैं, आप देख लीजिए और चिट्ठी हमने आपको दे दी है, हम अपना जो फ्लोर टेस्ट होगा उसमें अपना समर्थन साबित कर देंगे फडणवीस के प्रति, आप फडणवीस को बुला सकते हैं। और रात 2 बजे देवेंद्र फडणवीस ने पहुंचकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। ये सब कुछ एक वेल प्लान्ड तरीके से हुआ। इसके बाद इन सारी हरकतों से, इन चीज़ें डेवलपमेंट से, भगत सिंह कोश्यारी ने होम मिनिस्ट्री को अवगत कराया। होम मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी हैं अजय कुमार भल्ला, उन्होंने एक नोटिफिकेशन तैयार किया गजट के हिसाब से और उसमें सुबह 5:47 का, शनिवार की सुबह 5:47 राष्ट्रपति शासन हटाने की संस्तुति वहाँ से की गई और राष्ट्रपति शासन विधिवत 5:47 वहाँ से हट गया। और उसके बाद 7:30 सुबह देवेंद्र फडणवीस अपने सरकारी आवास से अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ निकले, अपनी माँ के साथ निकले यहाँ पहुँचने के लिए राजभवन के लिए। अजीत पवार अलग से वहाँ पहुँचे और 7:30 ये दोनों वहाँ पर पहुँच गए और 8 बजे एक संक्षिप्त शपथ ग्रहण समारोह हुआ, दोनों को शपथ दिला दी गई। और जैसे ही इन दोनों को शपथ दिलाई गई, भगत सिंह कोश्यारी ने कहा आपको 30 नवंबर तक अपना बहुमत प्रूव करना है और अब आप जा सकते हैं। इसके बाद सबसे पहला डेवलपमेंट यही हुआ कि ठीक 8 बजे के करीब, 8:15 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके बधाई दी
देवेंद्र फडणवीस को चीफ मिनिस्टर बनने की, उसके बाद सोशल मीडिया पर बधाइयों का सिलसिला आगे चल निकला। इसके बाद फिर शरद पवार भौचक रह गए कि ये क्या हुआ, चिट्ठी क्या हुआ, हमारी चिट्ठी है वो फर्जी है, ये है, हम कोर्ट जाएंगे, वोट जाएंगे। 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 4 बजे विधायकों की मीटिंग की, अजीत पवार को कहा गया कि हम आपको पार्टी से निकाल रहे हैं, निकाल लीजिए, अब कुछ नहीं हो सकता है, अब तो जो भी होगा फ्लोर पर होगा। और अब आने वाले दिनों में मुझे लगता नहीं कि अमित शाह की प्लानिंग इतनी कमज़ोर होगी कि ये बहुमत साबित ना हो पाए, क्योंकि छोटे मोटे दल और निर्दलीय विधायक 20-25 वैसे ही उनके साथ हैं। हो सकता है कि और कुछ लोग भी कांग्रेस में भी टूट हो सकती है। कांग्रेस के अहमद पटेल ये कह रहे हैं, दावा किया उन्होंने, हालांकि उनका चेहरा उतरा हुआ था, उन्होंने दावा किया कि नहीं, हमारे सारे विधायक इंटैक्ट हैं, कोई कहीं नहीं जा रहा है। लेकिन उसके उनके बगल में जो मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे हुए थे, आप उनकी शक्ल देख लेते, आप उनकी शक्ल उतरी हुई थी, वो कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थे। कागजों पर ये बिल्कुल फुल प्रूफ प्लान की तरह इम्प्लीमेंट किया गया है, इसे कोई चैलेंज नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है कि अगर कोई चैलेंज भी करेंगे आप सुप्रीम कोर्ट में या कहीं भी, तो ये साबित नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके लिए बिल्कुल नंबर वन की प्रक्रिया अपनाई गई है। और अगर महाराष्ट्र में सरकार बन जाती शिवसेना की, तो उसके बाद ये सब करना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन अभी सरकार नई बनी नहीं थी, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, सबके सामने समान अवसर थे, जो पहले दावा पेश करेगा उसकी सरकार बनेगी। और देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने ऐसा किया और दोनों ने जाकर अपनी सरकार बना ली। अब आने वाले दिनों में बड़ा दिलचस्प सब कुछ होने जा रहा है। ये एक अभी एक बयान संजय राउत का आया है, संजय राउत जो शिवसेना के सांसद हैं, उन्होंने ये कहा है कि अजीत ने पीठ में छुरा घोंपा है अपने अंकल की, शरद पवार की, और शरद पवार कह रहे हैं मैंने अजीत को पार्टी से निकाल दिया। लेकिन शरद पवार ये भूल गए हैं कि 1978 में उन्होंने क्या किया था। 1978 में वसंत दादा पाटिल की सरकार को उन्होंने गिराया था, शरद पवार यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर बने थे, और 41 साल पहले जो शरद पवार ने किया था वो आज उनके सामने आया है। अब उनकी रिटायरमेंट की उम्र है, 80 साल के हो रहे हैं, बोल नहीं पाते हैं, बोलते क्या हैं समझ में नहीं आता है, और जब भी बोलते हैं मुंह से थूक निकलता है, रुमाल से पूछते रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें अब राजनीति में रहना चाहिए। अब अजीत पवार और उनकी बेटी हैं सुप्रिया सुले शरद पवार की, उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। अब शरद पवार जी अब आप क्या करेंगे, सरकार महाराष्ट्र में बन चुकी है बीजेपी की और उनके भतीजे की। अब देखने वाली बात यही है, नेक्स्ट वीडियो में हम ये बात करेंगे कि ये सरकार आखिर बनी कैसे और इसका अब स्वरूप कैसा होगा। देखते रहिए अर्श की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।